नर्मदा सेना यात्रा का आप गठन कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा पूरे क्षेत्र में? देखिए, नर्मदा युवा सेना का हम लोग हर जिले में कर रहे हैं, हमारी उसी की तैयारी चल रही है और जगह जगह दौरा करने का कारण यही है कि युवाओं पे हम लोग उत्साह है कि युवा क्या क्या काम कर सकें। उनके साथ हम बैठते भी हैं, साथ में संबंधित कलेक्टर महोदय हमारे जो हैं, सभी जिला के और SP महोदय हैं, सबके साथ बैठ करके पौधारोपण की भी जानकारी देते हैं, लगाते भी हैं, संदेश भी देते हैं और साथ में नदियां हमारे मध्य प्रदेश में कल कल में हैं, कोई नुकसान ना हो, नर्मदा में कोई नुकसान ना हो, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी के हैं, उसके बावजूद वो आपकी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे कमलनाथ, तीनों एक हैं, बात कुछ भी करें, तीनों सरकार चला रहे हैं। 5 साल तक चलाने के बाद फिर सरकार बनने जा रही है, 5 साल फिर चलाएंगे, ऐसे 10 साल सरकार तीनों मिलकर ही चलाएंगे। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने आपको लेकर के कुछ टिप्पणी करी है, उसके बारे में आपका नहीं, उसमें हम कुछ कहना चाहते हैं, यदि कहना चाहते तो यही है कि वो अपने मेरे बारे में जो है अपने भाई दिग्विजय सिंह से पूछे। बुधनी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, उसके बावजूद यहाँ रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है, इसके बारे में नहीं, ये इन्होंने इतना कचरा फैलाया है 15 साल में, हम लोगों को उठाने में इतनी दिक्कत जा रही है, आज देर लगने का कारण यही है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में यदि अवैध खनन हुआ है, नर्मदा को नुकसान यदि कहीं हुआ है, नदियों को नुकसान हुआ है, तो वो बुधनी विधानसभा है सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि शिवराज ने अपने भाई भतीजे रिश्तेदार और पार्टी के कुछ लोग सब मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश को चौपट कर दिया। आज हम पूरे मध्य प्रदेश में जब घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों की आदत पड़ी है नुकसान पहुंचाने की, रेत निकालने की, अवैध खनन करने की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिवराज सरकार नहीं, ये कमलनाथ सरकार है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे गुंडे हो, कोई भी मध्य प्रदेश में नहीं रहे। विपक्ष का आरोप है कि आपके साथ भी कुछ लोग जो रेत कारोबारी साथ में लेके घूमते हैं, आप इसके बारे में आपका क्या? देखिए, आप कोई तिलक तो लगाना रहता नहीं, कोई मुकुट तो लगी नहीं है कि भैया ये माथे में तो लिखा नहीं है कि कौन क्या, मुझे कोई लेने देने नहीं है। आप देखिएगा, मैं नर्मदा या नदियों में कोई भी नुकसान करते पाया जाता है, मुझे सूचना मिलती है, मैं तत्काल जाता हूँ। आप मेरे काम को आप देख लीजिए, हर प्रकार से यदि रेत माफिया हथकंडा अपनाता है किसी भी तरह के, तो हम लोग भी उसकी रणनीति बना के उसका चकनाचूर करते हैं, उसको ध्वस्त कर देते हैं हम लोग उसकी आशाएं को, वो क्या चाहता है। इसलिए ये मध्य प्रदेश में नाना प्रकार की विपक्ष तो करता ही रहेगा, क्योंकि 15 साल उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम किया नहीं। इन्होंने रेत बेच खाए, नर्मदा को बेच खाए, नदियों को बेच खाए, न संतों का सम्मान किया, न गौ माता का सम्मान किया और ना मां नर्मदा की, इसी की शराब से जो है आज शिवराज सरकार बाहर होने का कारण है।